चैनल। आज का हमारा टॉपिक है गाड़ी की ओवरहीटिंग। जैसे कि अभी आपने स्टार्टिंग में देखा ही होगा कि मेरी गाड़ी जो है एक एवरेज जो हीटिंग पॉइंट रहता है उससे अबव जा रही है, क्योंकि इसकी काफ़ी टाइम से शायद सर्विस भी नहीं हुई है, क्योंकि मैंने सेकेंड ली थी। और दूसरा क्या है कि अभी गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है दिल्ली में इस टाइम। पीछे तो अभी 44 डिग्री तक टेम्परेचर टच हुआ था इसका। तो आज हम इसमें रेडिएटर में इंजन फ्लश यूज़ करेंगे, क्लीनिंग करवाएंगे, रेडिएटर का कूलेंट चेंज होगा और उसके बाद हम परफॉर्मेंस देखेंगे कि इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। और इसमें आपको सारी डिटेल शेयर करता हूँ। ओके, ये दोस्तों रेडिएटर क्लीनर, इसकी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हमें इसको पानी में मिक्स करके 7 लीटर पानी में मिक्स करके 10 से 30 मिनट के लिए गाड़ी को स्टार्ट छोड़ना होगा, जिससे कि अंदर ये सारी गंदगी को हमारी साफ़ करेगा। चलिए हम देखते हैं, इसको पानी मिक्स करके डालते हैं और उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि क्या। ये है यहाँ पर इसका वॉल्व, इसको ये देखिए रिलीज़ करेंगे तो इसमें से कूलेंट आप पुराना निकाल सकते हैं। पुराना सारा कूलेंट अब निकालते हुए इसको हम मतलब पुराने वाले को सारा निकालने के बाद देखते हैं कि इसमें कुछ प्रॉब्लम निकलती है, क्योंकि अभी तक देखने में ऐसा कुछ मेजर इशू लग नहीं रहा है कि कूलेंट या रेडिएटर से रिलेटेड होगा। पुराना सारा कूलेंट निकल चुका है, इसकी क्वांटिटी है अराउंड 4 लीटर और देखने में ठीक ठाक है ये। चलिए डाले थोड़ा पानी, थोड़ा ये यहाँ पे सरफ है। यहाँ पर हमारे मैकेनिक ने क्या किया है कि पहले रेडिएटर फ्लश को इन्होंने पूरा एम्प्टी कर दिया है रेडिएटर में, क्योंकि इनका कहना है कि अगर हम खाली पहले ये डालने के बाद अगर पानी डालेंगे और गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली मिक्स हो जाएगा और हमें एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा इसके लिए। अब हमने क्या किया है, गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद इसमें पानी ऐड कर दिया है जो वापस अराउंड 4 लीटर के करीब है। और अब इसको हम अराउंड 15-20 मिनट के लिए स्टार्ट ही रहने देंगे ताकि ये अपना काम कर सकें। इस 15-20 मिनट के रनिंग पीरियड के बीच में मैं थोड़ा कूलेंट चेक करने गया कि कौन सा कूलेंट डलवाना चाहिए और कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए। तो इससे पहले कि मैं आपको इसके रिज़ल्ट्स दिखा पाता कि फ़्लश ने क्या काम किया है, हमारे जो मैकेनिक साहब हैं उन्होंने कहा कि बिल्कुल क्लियर, साफ़ सफाई की ज़रूरत नहीं थी, बिल्कुल क्लियर निकला है इसका पानी। और अब आप कूलेंट ऐड करें, मे बी फॉल्ट कुछ और हो सकता है ओवर हीटिंग का। नहीं बताया था। जैसे कि इसकी कैपेसिटी 4 लीटर की है तो हम इसमें 50-50 रेशो वाला कूलेंट यूज़ कर रहे हैं। 50-50 मीन जिसमें 50% कूलेंट रहेगा और 50% पानी रहेगा, जो कि इसके लिए काफ़ी सफिशेंट है। पर्टिकुलरली मैं होंडा सिविक के लिए आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि इसकी जो रेडिएटर में जो पाइप्स होती हैं जिसके थ्रू ये सर्कुलेट करता है वो काफ़ी पतली होने की वजह से इसमें रीफ़िल करने का प्रोसेस काफ़ी लेंथी है, क्योंकि इसको दोबारा रीफ़िल करने में हमें कम से कम 1 घंटे का टाइम लगा था। ऑथराइज सर्विस सेंटर्स में इसके लिए एक टूल आता है जिसमें कूलेंट को रीफ़िल करके गाड़ी को स्टार्ट कर दिया जाता है, तो वो थोड़ा फास्टर बना देता है। जैसे कि इस सारे प्रोसेस में हमारे को कुछ खास बेनिफिट तो नहीं मिला है, बट बाद में डायग्नोस करने का पता चला कि रेडिएटर फ़ैन में कुछ इशू है जिसकी आरपीएम स्पीड कम है और कई बारी वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। तो मैं आपको दोबारा मिलता हूँ रेडिएटर फ़ैन की वीडियो में। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।